बीते दिन शिमलापुरी विखे सिद्धवा नहर के नाल नाल सड़क के बनने का उद्घाटन किया गया सी। कल तो उसका काम शुरू कर दिया गया, पर स्थानक कुछ लोग अते राहगीरां दा कहना सी कि यह सड़क बिना सफाई के बनाई जा रही है। जो सड़क दे विच खड्डे हन उन्हां विचों मिट्टी चक्के बिना ही उसके उपर लुक अते बजरी की मोटी पटड़ी बिछा दी जो कि जल्द ही फिर टुट जाएगी। बड़ी देर बाद यह सड़क बनन जा रही है। आम लोगों का पैसा इस सड़क लई लग रहा है। लोगों ने मांग की कि इस सड़क नूं सही तरीके नाल बनाया जावे। उत्थे इस बारे पता लगते ही डिप्टी मेयर के पति जरनैल सिंह शिमलापुरी ने सड़क का मुआयना किया अते पत्रकारां दे नाल गल करते हुए उन्हां कहा कि मौके ते मौजूद कर्मचारियों अते ठेकेदारां नूं ताड़ना दित्ती है कि सड़क नूं सही तरीके नाल बना के आम लोगों के हवाले करन अते लोगों ने विश्वास दिता कि इस सड़क नूं सही तरीके नाल ही बना के लोगों के हवाले किया जाएगा। मैं उरे जी रहने वाला हैगा, मेरे मैनू घट्टो घट 15 साल हो गए आ रोड के उपर, मेरा चलता रहता अप डाउन, मेरा कम ही कम इदा है रोड के उपर। ठीक है वीर जी, ये रोड जी टुट जाती है उरे आके पच ला जाते हैं, रोड सही नहीं बनती। हुण तुसीं आ रोड नूं ध्यान नाल थले देखो, सारी 2-2.5 इंच इन्हां ने बजरी पाई आ, जिदन बरसात होगी सारी पट्टी जानी है। जो थोड़ा रोड बनाउन लगे हो साडा टैक्सा का साडा पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? असी इन्हों कारपोरेशन वाले पैसे भरते हैं, टैक्सा देने है, कौंसलर आ जाते हैं उद्घाटन कर जाते हैं, MLA आ जाते हैं उद्घाटन कर जाते हैं। भाजी इस रोड का फायदा की है दसो? 2 इंच रोड ही पाई है ना, उन्होंने रोड सारी तरह सही पट्टी आ ना मिट्टी चके ना कसोर किया, टोए उद ही ने। कल में एक बरसात पै गई है सड़क छोटी फिर पट्टी जानी है, जहाँ तुम चंकी तरह रिपेयर करो, पट्ट के एक बार चंकी तरह रोड ही पा के उपर करो ना, क्यों साडा पैसा वेस्ट कर रहे हो? इन्होंने MLA कौंसलर मेयर पुछो जाके, लोगों की शिकायत के उत्ते ही अब डिप्टी मेयर साहब मुआयना भी कर। वीर जी देखो कुछ नाल कुछ नहीं होना है, कहाल यह तो इन्हों खड़ के इन्होंने करवाना पैना है। ये करते कि आते हैं उद्घाटन कट्टा रीवन कट्टे चले जाते हैं, बस उस तो बाद रीवन कटवाना होंगे। असं कांग्रसी हाँ, असं अकाली हाँ, असं वे है मेरे, सानू कांग्रेस अकाली का मतलब नहीं, सानू मतलब है साडा काम सही क्यों नहीं होता, साडा टैक्सा का पैसा क्यों नहीं सही लगता? मेरे साड़ी मंग है आ सड़क दोबारा रिपेयर करा दो, थले पहला सारी पट के ये मोटी बजरी पहला पाओ, घट्टो घट 4-5 इंची उपर लेयर होनी चाहिए है तो वधिया बने। ये तुम तो देखो वीर जी, ये उपर कितने रोड़ी खड़ जूगी? कदे लेंटर के उपर तुम 2 इंच लेंटर पा दो, कदे खड़ जाता है पहले इन मिट्टी के उपर तुम तो पाई जाने यार, कम की हो रहा है? डिप्टी मेयर आगे पुछो कम की कम हो रहे हैं वीर जी, ये दसो आ 2 इंच लेयर नहीं हैगी। ये इलेक्शन आ गए ने, इलेक्शन करके कर रहे हो भी, असं हम सड़क बना रहे हैं, आके देखो जी 15 साल बाद तुम आ रहे हो भी सही तरह कम कर जाओ, कानून साडा पैसा वेस्ट कर रहे हो यार। 13 और KDT न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों प्यार भरी सत श्री अकाल, मैं हाँ सुरजीत सिंह। गल कर लिए जेकर सिद्धवा नहर के उपर बन रही सड़क की, जिसका कि कल उद्घाटन किया गया सी और दसिया जा रहा है कि 90 लाख रुपए की लागत के नाल ये सड़क जी है वो बननी जा रही है, पर आम लोगों दी कुछ शिकायत सी, लोगों का कहना यह है कि जिहड़े खड्डे ने उन्हां दी सफाई कीते बिना ही इस सड़क नूं बनाया जा रहा है, कि जेकर 90 लाख रुपए की लागत नाल ये सड़क बन जा रही है तो क्यों ना चंगी तरह साफ सफाई करके इस सड़क नूं बनाया जा सके। आम लोगों का इत्थे दे जिहड़े वसनीक ने उन्हां दा यह कहना कि 15 साल बाद इस सड़क जी है बन जा रही है और मिट्टी के उपर ही बिना सफाई किए हुए सड़क नूं बनाया जा रहा, ठेकेदार साहब इस समय मौजूद ने और डिप्टी मेयर के जिहड़े पति ने जरनैल सिंह शिमलापुरी जी मुआयना करन पहुँचे, उन्होंने गलबात करते हैं कि लोगों की जो शिकायत आई है उसके उत्ते किस तरह का हल किया जाऊगा। सर लोगों की जो शिकायत इस समय दसी लोगों ने दसिया कि 90 लाख रुपए की लागत के नाल जी सड़क बन रही है पर मिट्टी की सफाई किए बिना इस दे उपर लेयर बिछाइया जा रही ने। अज तुम मुआयना करन पहुँचे हो तो किस तरह अगे इस काम चलता किया जाऊगा? जी सड़क बन रही है लहारे के पुल तो लेकर गिल्ला नहर के पुल तक, साढ़े मेयर साहब उद्घाटन करके गए ने कल और मैं देखने लिया भी काम सही हो रहा है। तो जोड़े मैं जो साढ़े कारवे मुलाजम भी ने उन्होंने भी कह दिता भी तुम भी सारे बंदे लग के जी सफाई करो सड़क की, ताकि मिट्टी ना रवे सड़क जी, पिछले बंदे मैं देख के आया सारे बंदे सफाई कर रहे हैं और फिर जी लुक पैनी है, पूरे खड्डे भर के पूरा प्रॉपर सारा जो एस्टीमेट दिता गया वो हिसाब में सड़क बनेगी और कोई परेशानी नहीं आऊगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और ये उपर जी लेयर एक होर पैनी है जी है तो वह जी बरीक पैनी है। ये तो सिर्फ खड्डे भरने लिए जानू जिन्हें खड्डे ने सारे उन्होंने पूरन के लिए ये लेयर जी पाई जा रही है और एक लेयर जी उपर होर पैनी है, उन्हें सारा कवरेज कर देना है, सड़क जल्दी टुटू नहीं, सड़क मजबूती बना रहे हैं और उन्होंने होर भी कह दिता गया भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए सड़क जी, जिते कोई सफाई करने वाली आ सफाई करो, जिते कोई खड्डा भरने वाला उन्होंने खड्डा भर के उन्होंने फिर सड़क बनाया। सर लोगों की जो शिकायत इस टाइम आई है साढ़े को भी
सड़क नूं बिना सफाई दे बनाया गया। अज डिप्टी मेयर साहब मुआयना करन वी पहुंचे, की कहना चाहोगे? नहीं, सफाई सारी नाल दी नाल सफाई हो रही है जी। कंप्रेसर लगा होया नाल, लेबर भी लगी हुई है सफाई करने नूं। सफाई करके सारी पूरी सड़क तां बनाई जा रही है, बिना सफाई तो सड़क नहीं बनेगी। डिप्टी मेयर साहब ने दस्सिया कि जिहड़ी सड़क है इस नूं प्रोपर सफाई दे नाल ही करके बनाया जाऊगा। इन्हां दे जिहड़े हुक्म ने वो कारपोरेशन अधिकारियों नूं भी दे दित्ते गए। इन्हां ने दस दिता, इन्हां वल्लों कह दिता गया कि सही तरीके दे नाल जिहड़ी सड़क नूं बनाया जाए। बेशक 10 दिन बाद फालतू भी लग जाण और पानी की जिहड़ी निकासी का प्रोपर तरीके नाल हल किया जाए। मनदीप दुग्गल दे नाल मैं सुरजीत सिंह, KTT न्यूज़ TV, वर्ल्ड वाइज 13।